हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं ऑर्डिनेंस का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ ही देखेंगे कि हम ऑर्डिनेंस वर्ड का सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस की प्रोनाउंसिएशन होती है ORDINANCE नेंस और डी नेंस ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को हम ऑर्डिनेंसेस भी कहते हैं। ऑर्डिनेंस के सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द होते हैं टू कमांड आदेश देना, रूल नियम लागू करना, डिक्टम आदेश देना, डायरेक्टिव हिदायत देना, ऑथराइजेशन अनुमति। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अ लॉ यूजुअली ऑफ अ सिटी और टाउन दैट फॉरबिड्स और रेस्ट्रिक्ट्स एन एक्टिविटी। एक कानून आमतौर पर एक शहर या कस्बे का जो किसी गतिविधि को करने से मना करता है या प्रतिबंधित करता है, तब उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। एन ऑर्डर गिवन बाय अ रूलर और गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। शासक या शासक संगठन द्वारा दिए गए आदेश को ऑर्डिनेंस कहा जाएगा। तो आइए अब हम ऑर्डिनेंस वर्ड का सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। A city ordinance that says parks must be closed by 11 p.m. A city ordinance that says parks must be closed at 11 p.m. शहर का एक अध्यादेश जो कहता है कि पार्क रात 11 बजे बंद होना चाहिए। It is against state law and city ordinance. It is against state law and city ordinance. यह राज्य के कानून और शहर के अध्यादेश के खिलाफ है। सिटी ऑर्डिनेंस 126 forbids the parking of cars in this area. City Ordinance 126 forbids the parking of cars in this area. City Ordinance 126 इस क्षेत्र में कारों की पार्किंग के लिए मना करता है। Ordinances that restrict building development. Ordinances that restrict बिल्डिंग डेवलपमेंट। अध्यादेश जो भवन विकास को प्रतिबंधित करते हैं। तो सिंपल शब्दों में ऑर्डिनेंस का मतलब होता है व्यवस्था या किसी ने जो हुक्म जारी किया है, फरमान जारी किया है, नियम या अध्यादेश। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में आप ऑर्डिनेंस शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। Until then, keep learning, read lot of books and stay happy.